सबसे पहले यहाँ आए सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम। जय भीम। साथियों, यहाँ आए हुए सभी साथी ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये बात यहाँ से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश बात है कि हमारे साथी चंद्रशेखर पर और हमारे साथी अखिल गोगोई के ऊपर, दोनों के ऊपर फर्जी रासुका लगाया गया है, जिसका विरोध करते हुए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथी, मैं असम की रहने वाली हूँ और मैंने खुद देखा है कि अखिल गोगोई और KMMS के एक कॉल पर हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर इस तरीके का वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं उनके समर्थन में, कि जिसके चलते वहाँ पे सरकार, जो वहाँ पे BJP की सरकार है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये मैंने खुद देखा है। मैं ये बात जानती हूँ कि इसी तरीके से, जिस तरीके से अखिल गोगोई ने वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट तैयार किया है, जिस तरीके से वहाँ की कॉर्पोरेट ग्रुप, वहाँ की जो करप्ट गवर्नमेंट और वहाँ पर जो संघवाद बढ़ रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वहाँ पर एक भूमि अधिकार के लिए, अपने लैंड राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हुए अखिल गोगोई ने जिस तरीके का एक मूवमेंट असम में तैयार किया है, उसी तरीके से एक बिल्कुल मजबूत मूवमेंट हमारे भाई चंद्रशेखर ने UP में एक मूवमेंट इस्टेब्लिश किया है। साथ ही आज हम ये बात जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावत जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे UP में जो मूवमेंट उन्होंने कायम किया है, वो मूवमेंट ना तो सिर्फ भगवाधारी, ना तो सिर्फ संघी, ना तो सिर्फ फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी है जो कहने को तो दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो दलितों के इसलिए साथ भी नहीं खड़े हैं जैसे कि मायावती है उस स्टेट में। ये हम आप यहाँ से पूछना चाहते हैं कि जो दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो दलितों को अपना नेता, जो दलितों का नेता बनकर BJP में है, वो आज भी उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी इशू क्यों नहीं किया इसके खिलाफ कि उनके ऊपर एक फर्जी रासुका जारी किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि साथी ये हम जानते हैं कि जो दलितों की लड़ाई है, जो मुसलमानों की लड़ाई है, जो आदिवासी की लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ हम लड़ सकते हैं, हम ही लड़ेंगे। और हम ही यहाँ से बताना चाहते हैं कि जो संघवाद की इन्होंने जो जहर हमारे देश में फैलाया है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आकर एक ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, उसको हम लोग यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये जो सरकार उन्होंने बनाई है UP में, जो इतनी गैर गुजरी है कि जब वो दलित भाइयों के घर में जब जाते हैं, जब उनसे मिलने, तो पहले वो सोफा सेट, कारपेट और साबुन की टिकिया भिजवाते हैं, ये बताते हुए कि लो पहले नहा लो, फिर योगी जो साहब जो है उनके घर आएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे छात्रों ने मिलकर एक बड़ी सी साबुन की टिकिया बनाकर योगी साहब को भेजी थी, जिससे उनको नहाकर अपनी सोच को साफ करने की ज़रूरत है, जो
क्योंकि वो गाय माता की रक्षा कर रहे थे, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि गाय की वो रक्षा करें, अपने घरों में करें, अपने गौशाला में करें, पर सड़कों पर, देश पर सिर्फ इंसान की रक्षा होगी, जैसे बाबा साहब ने प्लान किया था, जैसे जब उन्होंने जो विजन उन्होंने इंडिया के लिए देखा गया था, वो विजन हम लोग आज इस्टेब्लिश करेंगे, ना कि नागपुर में बैठे हुए जो ये लोग सोचते हैं जिस तरीके का विजन ये हम लोगों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। फोन डालो पीछे। ये देश जो है वो बाबा साहब के सपनों पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये देश जो है बाबा साहब के दिखाए हुए रास्तों पे चलेगा, ना कि इनके बकवादारी रास्तों पे। ये तो इतने कमजोर थे, इतने कायर थे कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने की बात थी तब तो ये तो तुम उठाकर भाग गए, ये तो लड़ाई में भी शामिल नहीं हुए, उल्टा हाफिज पत्र लिख लिख कर इन्होंने अंग्रेजी सरकारों को भेजा है। ये क्या हम लोगों को बताएंगे देश के बारे में, ये क्या हमको बताएंगे देश की सुरक्षा के बारे में, ये क्या हमको बताएंगे देश के लिए लड़ना क्या होता है? जब किसानों की लड़ाई हुई हो या जब मजदूरों की लड़ाई हुई हो, जब औरतों के लिए लड़ाई करने की बात हुई हो, तब इन्होंने सिर्फ अपनी जो ब्राह्मणवादी सोच है उन्होंने ये थोपा है। इनकी मनुस्मृति जो लिखती है वो इस तरीके की बात तक ये लोग कहते हैं कि औरत का कोई हिस्सा नहीं, औरत का कोई आइडेंटिटी नहीं, वो जो है वो पहले एक बेटी बनकर रहेगी, फिर एक बीवी बनकर रहेगी और फिर एक माँ बनकर मर जाएगी, उसकी ये जीवन की कहानी है और वो सिर्फ पुरुष की जो है सेवा करने के लिए पैदा हुई है। ये इनकी सोच है, ये जो इनकी मनुस्मृतियों में लिखा गया है ये हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं कि विमेन की अपनी आइडेंटिटी है, किसान की अपनी आइडेंटिटी है, मजदूरों की अपनी आइडेंटिटी है और दलितों की अपनी आइडेंटिटी है, आदिवासियों की अपनी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी हम लोग छीन कर लेंगे उनसे। हम लोग साथियों को मेरा क्रांतिकारी हाजरा मोर्चा।